और हम जा रहे अपने घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ मैं इटली की तैयारी कर रही हूँ। इन लोग को संडे के दिन मेरी दुकान के लिए निकलना था। मैं सोचा संडे का दिन है तो आराम से मैं सो के उठूँगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। रात में इन्होंने बोल दिया सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जाना है। तो मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ सुबह, क्योंकि जाने का तो इन लोग का तय रहता है, आने का कोई कन्फर्म होता नहीं है। तो यहाँ मैं रात में इडली की तैयारी कर ली थी। रात में मतलब जो चावल दाल होता है उनको भिगा के पीसना होता है एक दिन पहले ही। छोटू क्या खा रहे हो? हम खा रहे हैं इडली। सुबह के बजे 8:30 और हम खाते हैं इडली। बहुत अच्छी मॉर्निंग हुई है गाइस। हाँ, मजा आ रहा है। तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सही बना है? बहुत अच्छा। 10 प्लेट पार्सल उतना बनाया ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए बनाए थे। लंच में कुछ और बना देंगे, ठीक है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सूजी वाले से अच्छा है कि उससे खराब है? सूजी वाले से अच्छा है। दुकान जाना है ना? हो गया ना? हाँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इडली कितनी अच्छी बनी, और ये प्लेट आपके लिए है। और उसके बाद दोपहर का समय है और यहाँ मैंने बनाया है उपमा। चटनी बची हुई थी हमारी इडली की, उसी के साथ खाने के लिए। और ये देखिए, आइए आप सभी खा लीजिए। और शाम का समय हो गया है, शाम के 4 बज रहे हैं, टी टाइम। और यहाँ मैं अपने कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ। जो भी मुझे कपड़े पहनने हैं पूरे एक हफ्ते तक, उनको मैं प्रेस करके रख लेती हूँ अपने और इनके मतलब अपने हस्बैंड जी के। तो इन लोग कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ। अब ये एक हफ्ते कपड़ा मेरा तैयार हो जाएगा। तो शाम को इन्हें फिर से निकलना पड़ा, किसी कस्टमर का फोन आ गया था, कुछ काम था इनको। तो उन्होंने कहा जाना है, 5-10 मिनट का काम है। तो मैं चलोगी क्या? मुझे शॉप नहीं जाना है, मुझे कहीं और जाना है, कुछ पेमेंट वगैरह लेनी है। तो क्या तुम भी साथ में चलोगी? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चलते हैं। मुझे कुछ काम भी था, थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी अपने घर की। मैंने कहा हाँ चलिए, कुछ ज़रूरी सामान मुझे लाना है, वो भी मैं ले लूँगी। तो यहाँ देखिए हम निकल गए हैं, और ये देखिए हम आए हैं नई सड़क पर। ये बहुत बड़ा चौक मार्केट कह सकते हैं यहाँ बनारस का, और ये पूरा मोहम्मदम एरिया भी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद ईद आने वाली है, और ईद की वजह से सड़कों पर कितनी ज़्यादा रश है, कितना अधिक भीड़ है, आप देख सकते हैं। आज संडे का दिन है फिर भी सड़कों में बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अभी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ, मैं बिल्कुल अकेले हूँ। हस्बैंड जी गए कस्टमर से मिलने के लिए। ये गए हुए हैं कुछ राशन का सामान लेने के लिए,
जैसे कि मैगी वगैरह, और ये देखिए साबुन सर्फ जो भी घर में नहीं था। मैंने कहा तुम खड़े रहो, मैं तुरंत लेके आता हूँ। तो बस देखिए यहाँ शॉपिंग हो रही है घर की। तो घर आने के बाद गला पूरी तरीके से सूख रहा था, तो बस यहाँ मैं टैंग लेके आई थी यानी कोल्ड ड्रिंक्स। तो बस चीनी को मैंने घोल लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और इसी में टैंग डाल देते हैं और एकदम ठंडी वाली कोल्ड ड्रिंक तैयार हो जाएगी और ये सबके लिए हो जाएगा। बाहर की कोल्ड ड्रिंक से काफ़ी बेहतर है ये, देखिए मैं बना रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर देते हैं, एकदम चिल्ड बना लेते हैं इसको। और गला काफ़ी देर सूख रहा था तो एकदम बस पीने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। फ्रेंड्स मैं घर वापस आ चुकी हूँ और मैंने बना के पी लिया टैंग। घर का एकदम बढ़िया वाला कोल्ड ड्रिंक, बाहर कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, आप जानते हैं कितना नुकसान है। कभी कभार की बात दूसरी है, पर घर में और भी लोग हैं तो भी हम पी सकते हैं, पर हमेशा अच्छा नहीं लगता है। और मुझे बाहर की चीज़ें जितना मैं कम से कम खा सकूं, जो मेरी मन करता है खाने पीने का, ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं घर पर खुद ही बना लूँ। घर पर ढेर सारा बन भी जाएगा और बच्चे अच्छे सब लोग खा लेंगे। यहाँ पर अंशिका आई हुई है अपनी नानी के साथ शादी में, और ये देखिए इनके कज़न ब्रदर और सिस्टर हैं यानी मेरी बहन के बेटे हैं, और यहाँ इनकी नानी है, नानी के फ्रेंड्स वगैरह हैं, और ये देखिए भैया है उनके आयुष भैया, और ये देखिए शादी अंशिका अकेले अकेले ही इंजॉय करके आ गई मेरे बिना ही। अंशिका की तो आजकल एकदम मौज ही मौज है, शादी ही शादी अटेंड कर रही हैं। और मम्मी ने मुझे भी कहा चलने के लिए, पर मेरा बिल्कुल नहीं मन नहीं था, एक संडे ही तो मिलता रहा। तो यहाँ पर ये लोग देखिए नाश्ता कर रहे हैं, और ये रिसेप्शन पार्टी है हमारे ही मोहल्ले में, देखिए यहाँ शिकायत हुई है, यहाँ चल रहा है लोग का नाश्ता वगैरह। और यहाँ देखिए दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, आप भी नौ जोड़ों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए, उनकी नई गृहस्थी शुरू होने जा रही है। और ये रिसेप्शन पार्टी है दुल्हन के आगमन में, तो ये देखिए दुल्हन का वेलकम हो चुका है, आप सभी इन्हें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। Thank you.
झांकी वाला डांस सभी लड़कों का। यहाँ आज का अकेले अकेले खूब इंजॉय किए जा रहे हैं। पार्टी खत्म हो चुकी है, वहाँ पार्टी हो रही है और हम जा रहे हैं अपने घर। वहाँ पार्टी तो कम्प्लीट हो चुकी है, हम सब लोग जा रहे हैं घर। तो चलते हैं घर, चल के मिलते हैं। कतई मजा आया गाइस, कतई मजा आया। अपने दोस्त के साथ डांस करने गया तो हम लोग इतना नाने डांटने लगी कि तुम लोग घर जाओ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस समय बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं। तो हम तीनों भाई बहन जा रहे हैं घर। तीनों भाई बहन, दो बहन एक भाई, दो बहन एक भाई। सो गाइस इग्नोर, मैंने गाइस को पता है कि मैंने स्टिक बहुत बड़ा मिस्टेक करना है बोलने में। और देखेंगे रात कितनी ज़्यादा हो रही है। जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हम, यहाँ पे हमारी शेडो और यहाँ पे हम चल रहे हैं घर अपने। हम लोग तो घर आ चुके हो, ये देखिए भाई ओपन द डोर। अरे शांत रहो शांत रहो, घर में आ चुके हैं। थोड़ा बहुत चेंज भी कर लिया है, बाल भी देखिए भी थे हुए। सो घर पे तो आ गए और ये हम चलते हैं, सही होते हैं और ये बाल भी बिखरे हैं, जो कहिएगा। तो गाइज आपको आई होप मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गुड नाइट। और आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा ब्लॉग।